हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके इंस्टाग्राम से सेव की गई रील्स वीडियो आपके गैलरी में शो नहीं हो रही है? जैसा कि मान लीजिए फ्रेंड्स, इस रील्स वीडियो को हम अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड टू स्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पर लोडिंग लेता है। और लोडिंग लेने के बाद फ्रेंड्स, ये मेरी स्टोरी में इस तरीके से अभी कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, वहाँ पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थ्री डॉट पर हम लोग इस तरीके से क्लिक करते हैं और ये सेव वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये रील्स वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाती थी पहले, बट अब इस समय हमारी गैलरी में ये रील्स वीडियो सेव नहीं हो रही है। तो अगर आपके भी इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो सेव करने पर यहाँ से अगर सेव नहीं होती है, आपके गैलरी में शो नहीं करती है, दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको इस रील्स वीडियो को ढूंढने के लिए क्या करना है कि आपको अपने फाइल मैनेजर ऐप को ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनल स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मूवीज फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी इंस्टाग्राम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि इंस्टाग्राम का फोल्डर देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इंस्टाग्राम से जितनी भी रील्स वीडियो को उस तरीके से सेव किया होगा, वो आपको बारी बारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारी रील्स वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, जो मैंने यहाँ पर सेव किया है इंस्टाग्राम से। तो फ्रेंड्स, जितनी भी रील्स वीडियो को आपने सेव किया होगा इंस्टाग्राम से, वो आपको रील्स वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसा कि फ्रेंड्स, अभी जो मैंने रील्स वीडियो को सेव किया है, वो यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो रील्स वीडियो को। अगर आपकी गैलरी में शो नहीं होती है, तो इस तरीके से आप अपनी रील्स वीडियो को देख सकते हो, जो सेव किए हो गैलरी में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, इसे अपने गैलरी में लाना चाहते हो, तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलता है, कॉपी टू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको किसी एक फाइल में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि फोल्ड कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कैमरे को ढूंढ लेते हैं, कैमरे को इस तरीके से मैक्स में कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉपी हेयर कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये फ़ोन की गैलरी में मेरे शो होने लगेगी ये वीडियो। अब आपसे हम बैक हो जाते हैं और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, अपने गैलरी ऐप को ओपन कर लेते हैं। गैलरी ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, जो रील्स वीडियो को मैंने सेव किया है, वो गैलरी में यहाँ पर शो होने लगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यही रील्स वीडियो है, जो कि मेरी गैलरी में शो नहीं होती थी सेव करने पर इंस्टाग्राम से, तो अब यहाँ पर शो होने लगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने रील्स वीडियो को गैलरी में शो करा सकते हो, यानी कि इस तरीके से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।